वनभूलपुरा हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक और उसके बेटे अब्दुल मोइत के घर पर कुर्की की कार्रवाई पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की मौजूदगी में शुक्रवार को दोपहर बाद करीब 3 बजे से शुरू हुई थी। रात करीब 12 बजे कुर्की कार्रवाई को रोक दिया गया था। इसके बाद शनिवार की सुबह करीब 10 बजे कार्रवाई दोबारा शुरू की गई, जो दोपहर 2 बजे तक चलती रही। इस तरह मलिक के घर कुल करीब 13 घंटे कुर्की की कार्रवाई चली। मलिक और उसके बेटे मोइत के घर से पुलिस ने करीब 6 ट्रक सामान कुर्क किया है। इस दौरान पुलिस ने मलिक के घर का चप्पा चप्पा खंगाल डाला। घर पर रखे एक एक सामान को जब्त किया गया। पुलिस ने घर के दरवाजे और डोरमेट से लगे सीलिंग फैन, बाथरूम में लगे गीजर सहित हर तरह के फर्नीचर, ज्वेलरी, साज सज्जा का सामान, विदेशी घड़ियां, इत्र, जिम का सामान, सोफा सेट, वाहन सहित अन्य सभी तरह का सामान जब्त किया। कुर्क किया गया पूरा सामान देखरेख पुलिस चौकी के मैदान में पैरामिलिट्री फोर्स की निगरानी में रखा गया है। शनिवार को पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने पूरे सामान की सूची तैयार की है। एसएसपी ने बताया कि कुर्क की गई संपत्ति का आकलन रिपोर्ट तैयार कर कोर्ट में पेश की जाएगी।